दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मेरी वीडियो को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ मेरा ग्रुप है, यूनिवर्सल डिजिट ग्रुप है, जहाँ पर मैं सिर्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाता हूँ कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस कहाँ पर जाने वाली है। देखो मैं एनआईसी की एग्जाम भी देता हूँ, यानी एनआईसी भी एग्जाम के अंदर फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में पूरा नॉलेज दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और उस नॉलेज के अंदर आपको मान लो कि फ्यूचर और स्पॉट के भीतर का डिफरेंस अगर पता चल गया तो 100% आपको इतना मैं जरूर बता दूं कि फ्यूचर कभी भी स्पॉट को मारता नहीं है। जिसके अंदर पेशेंस है वो खड़ा रहेगा। और एक वीकली जो एक्सपायरी है, जैसे 22 दिसंबर है, तो वहां तक उसने जो भी कुछ लॉस देखा है तो सारे सारे लॉस को कवर करने के बाद में वो उसे कवर करेगा। तो डेरिवेटिव्स अगर सीख रहे हो आप एनएसएम के अंदर, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा। पहली बात ये बता दूं मैं आपको कि जैसे मॉर्निंग को मार्केट अपडेट मैंने दी, तो वैसे मार्केट के अपडेट के अंदर मैंने ये वाले लेवल्स मैंने सिर्फ बताए थे। एजुकेशन पर्पस वीडियो है ये, टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि थर्सडे के नहीं, यहाँ पर अगर क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ पर अगर इतना डाउन दे रहा है, तो ये वाला रिटेस्ट है, 314 का रिटेस्ट है। तो 314 का रिटेस्ट आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा होगा, बराबर। तो ये 314 का रिट्रेसमेंट है यहाँ पर। ये 280 का रिट्रेसमेंट मैंने वापस दिया था नीचे मेरे ग्रुप के अंदर, के 280 पर 15 मिनट का रिटेस्ट भी करने वाला है। तो ये अगर मान लो एक्यूरेसी आपको 100% लानी हो, और ये इस तरह के कॉल्स अगर मैं मान लो मेरे ग्रुप के अंदर 18,500 सी ट्रेड 9:15 9:15, और उसके पहले दिन ही मैंने ये लेवल्स के बारे में और इसके बारे में मैंने बता दिया था, इनके बारे में बता दिया था। अगर मान लो 18,800 का सीई बाई दिसंबर का, 18,800 का सी बाई दिसंबर का आप देख लो, मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेज रहा हूँ कि मैंने अगर इस लेवल को भेजा है यहाँ पर, कि ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे भी 5 रुपये 75 पैसा चल रही है, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट फिलहाल नहीं है, बिकॉज के आउट द मनी की स्ट्राइक प्राइस ये 18,500 के करीब जब जाएगा तब इसका लेवल आएगा। लेकिन फिर भी इसने 11 का हाई दिया है, आप कहीं ना कहीं इसे देख सकते हो कि इसने भी 11 का हाई दिया है सुबह मॉर्निंग में। तो ये मैंने बोला था कि ये आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, इसको भी आप मान लो देखो, तो फिलहाल इसका जो हाई है 11 का हाई है, लेकिन इस आज का जो हाई है वो 6:45 का हाई, बिकॉज की आउट द मनी है, ये कल का हाई है, ये आज का है, तो 6:45 का हाई। तो मैं वापिस आता हूँ, जो स्पॉट चल रहा है यहाँ पे, तो स्पॉट कहाँ पे चल रहा है भैया? स्पॉट चल रहा है 18,500 का स्पॉट चल रहा है। तो 18,500 का जो स्पॉट चल रहा है, 18,500 का जो स्पॉट चल रहा है, तो उसका जो प्रीमियम निकल के आया है 45 रुपये का हाई दिया। तो ये मैं आपको ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ, बराबर। तो ये चेक कीजिए, और ये जो कॉल मैंने यहाँ से मेरे एजुकेशन पर्पज़ और पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से मैंने लोगों को दिए, तो ये यहाँ पर कॉल आ गई है, यानी ये जो कॉल आ गई 45 रुपीज़ का इसने हाई दिया, बराबर। तो यहाँ पे 45 रुपीज़ यहाँ पे हाई दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो पहली बात। तो यहाँ पर एक चीज़ दूसरी निकल के आती है कि ये कॉल मैंने कितने बजे दी, तो 9:15 बजे दी, और जो टाइम फ्रेम है वो 10 बजे 9 बजे तक का टाइम है, और 10:30 तक मार्केट गिरावट की संभावना में नहीं है, कंटिन्यू बाइंग करता रहेगा, यानी कहीं ना कहीं ये जो टारगेट है 55 रुपये चला जाएगा। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे 9:16 को 55, 33 का लो, 39 का नाउ टारगेट 63:55, तो 45 तक तो भैया आ ही गया, 45 तक तो ये आ ही गया, और आप देख रहे हो। तो ये जो एक्यूरेसी होती है ना, ये मार्केट की एक्यूरेसी है कि कैसे ये बोल लेना, कैसे बताते, ये पूरा 369 का पूरा कोर्स है मेरा, 369 का जो कोर्स है, तो वो अगर आप मान लो सीखते हो, माइंड पावर सीखते हो, कॉन्सेंट्रेशन सीखते हो अगर, तो आपको 100% में इतना जरूर बता दूँ कि मार्केट में आपके पास पैसा बनेगा, 100% पैसा बनेगा। अभी ये जैसे 347 का जो यहाँ पे रिटेस्ट किया है, तो ये रिटेस्ट में नहीं है, ये सिर्फ एक रिजेक्शन है, छोटा सा रिजेक्शन है, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल है यहाँ पे, तो इसका जो 5 मिनट का रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पर है, इस कैंडल पे रिट्रेसमेंट है फिलहाल। ये आज ए सेलिंग आनी है, लेकिन सेलिंग में भी ये बाइंग होगा, बाइंग होने के बाद में ये जो 3 कैंडल रेजिस्टेंस की दिख रही है आपको, इसका जो 50% हिस्सा है, तो ये इसका टारगेट तो 18,373 इसका टारगेट है, उसके बाद में भी 18,384 इसका ओवर बॉट में टारगेट है। तो जो भी लोग यहाँ पे पुट लेंगे, बार 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 पुट लेंगे, तो सारी पुट की एसलेट करके यहाँ पे भाग जाएगा, उसके बाद में लोग सोचेंगे यार यार पुट में लॉस हो गया। तो ये चीज अगर सीखनी हो आपको, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो आपको, एनआईसीएम की एग्जाम आपको अगर देना सीखना है, और एनआईसीएम के एग्जाम के अंदर मान लो इसी लाइन को आपको फ्यूचर ऑप्शन को ही अपना करियर बनाना है, फ्यूचर ऑप्शन को ही आपको अगर करियर बनाना है,
और इसी में आपको एडवाइजर बनना है, इसी में आपको कुछ ना कुछ कोर्स अच्छा करना है, तो 100% मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि ये लाइन दुनिया की सबसे बड़ी लाइन है। मैंने यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल के अंदर ये जो रजिस्टेंस कैंडल बनाई है, तो ये जो रजिस्टेंस है यही इसका टारगेट है, बिकॉज के ये जो टारगेट है यहाँ पर ये बंदा जाने वाला है। ये जो पैटर्न दिख रही है आपको डब्ल्यू पैटर्न, तो डब्ल्यू पैटर्न ऐसे नहीं बनाते ये लोग, ये पहले यहाँ पे गिर गया, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पे अभी ऊपर जाएगा, तो यहाँ तक मान लो आपको जो हाई वो 55 से लेके 65 रुपीज तक के आपको हाई देखने मिलेंगे। 59 तक के आपको 18,500 के, यानी 18,500 की स्ट्राइक प्राइस है, तो 18,500 के करीब जाएगा, 18,500 तक नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज़ है कि प्रीमियम जो है वो उसको 50 के ऊपर मिल जाएगा, यानी 59 60 65 तक के उसको यहाँ पे प्रीमियम मिल जाएंगे। तो यहीं पर बड़ी वीडियो खत्म करता हूँ, आप देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट बुलिश ही है, मैं वापस यहाँ पे भेज रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जब साइडवेज में होता है तो एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि वहाँ पे लोग पुट में एंट्री लेते हैं, लेकिन पुट में एंट्री लेना एक अलग बात है, लेकिन पुट में अगर राइटर ने अगर मान लो आपको परमिशन नहीं दी तो आपकी पुट की SL 100% हिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 41 का जो है 41 45 का हाई दिया है, 25 का लो दिया है, इधर मैंने प्रीवियस क्लोज जो 32 का था तो 32 पे ही मैंने इनको बाई करने का बोला कि पेपर ट्रेडिंग के अंदर आपको 9:15 बजे इतने में बाइंग करना और इतने में आपको बेच देना। तो भी टारगेट पूरे नहीं हुए, 50% टारगेट है, लेकिन 50% टारगेट भी अगर हिट हो रहा है तो समझ लो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ से जो कॉल मिली है मान लो किसी को पेपर ट्रेडिंग के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए, तो इतना जरूर बता दूँ कि वो कॉल जो है ना तो उसको बंदे को प्रॉफिट 50% तो दे ही रही है, यानी इतना कर मिल जाता तो भी 100% प्रॉफिट मिल रहा है समझ लो। तो मैं तो बोलता हूँ यहाँ तक कि अगर मान लो 30 में लिया और 42 का मिल रहा है तो भी आपको 50% प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर अपना जो है रिस्क रेशियो लगाकर आप ट्रेड करो, ट्रेलिंग लगाकर ट्रेड करो, प्रॉफिट बुक करो, एंजॉय करो। थैंक यू, धन्यवाद।